राजनीति के लिए विवाद ईंधन का काम करते हैं। एक विवाद महाराष्ट्र में भी शुरू हुआ है। शरद पवार गुट एनसीपी के एक नेता हैं जितेंद्र आव्हाड, जिनकी पत्नी रिता ने अलकायदा के सरगना लादेन की तुलना एपीजे अब्दुल कलाम से कर दी है। टीवी स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिख रही हैं। एक भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की है, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाने में अहम योगदान निभाया। दूसरी अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन की है, जिसने हजारों लोगों को आतंक की भट्टी में झोंका और दुनिया को 9/11 जैसा जख्म दिया। कहने को इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी रिता आव्हाड को इनमें कोई फर्क नहीं दिखता। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो, जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उससे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट बना लेते। क्यों बना? पैदा इसी को नहीं आना, उसको समाज ने बनाया। रिता आव्हाड ने यह बयान ऐसे मंच पर दिया जहां बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे उन्हें सुन रहे थे। ये वजह है कि इस पर सियासी माहौल इस कदर गरमाया कि शिवसेना ने रिता की तुलना औरंगजेब फैन क्लब से कर दी। ये तो पहले से ही औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर है, तो वो ओसामा बिन लादेन को समर्थन कर दुनिया में अमन और शांति के खिलाफ बोल रहे हैं। उसके समर्थन में बोलने वालों का शिवसेना खंडन करता है। मैं किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता की पत्नी जो राजनीति में नहीं है उनके बारे में बिना सोचे समझे और पढ़े टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपके पास अगर ये क्लिप है तो आप जनता को दिखाइए, जनता ही निर्णय करेगी। रिता आव्हाड के इस विवादित बयान पर न उनके पति जितेंद्र आव्हाड ने खेद प्रकट किया है, न शरद पवार गुट एनसीपी की तरफ से कोई बयान आया, लेकिन इतना तय है कि इस तरह के आने वाले बयान विधानसभा चुनाव में सियासी तूफान ला सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।